नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ प्रकृति। T20 विश्व कप 2022 तो भारत के लिए एक बुरी हार के बाद समाप्त हो गया है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से मिली हार के बाद भारतीय टीम में बदलाव की भी बात की जा रही है, और ऐसा लग भी रहा है कि भारतीय टीम अब बदलाव की ओर रुख कर चुकी है। नए चेहरे को अब टीम में मौका दिया जाएगा, तो ऐसे में आप जान लीजिए अब टीम इंडिया को किस टीम से कब और कहाँ मुकाबले खेलने हैं। सबसे पहले तो भारतीय टीम 18 नवंबर से न्यूजीलैंड दौरे पर जा रही है। यहाँ टीम को 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। पहला T20 मुकाबला 18 नवंबर शुक्रवार को खेला जाएगा, दूसरा T20 मैच रविवार को 20 नवंबर को खेला जाएगा, और तीसरा T20 मंगलवार 22 नवंबर को होगा। सभी T20 मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएंगे। T20 टीम के लिए भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे, और न्यूजीलैंड दौरे के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल को आराम दिया गया है। T20 टीम में शुभमन गिल, ईशान किशन और उमरान मलिक को भी मौका दिया गया है। T20 सीरीज के बाद बारी होगी वनडे सीरीज की। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 22 नवंबर, दूसरा वनडे रविवार 27 नवंबर और तीसरा बुधवार 30 नवंबर को खेला जाएगा। सभी वनडे मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन होंगे। न्यूजीलैंड दौरे के बाद टीम इंडिया बांग्लादेश दौरे पर जाएगी। यहाँ सबसे पहले टीम इंडिया को 3 वनडे मैच खेलने हैं। 3 वनडे मुकाबले 4, 7 और 10 दिसंबर को ढाका के मैदान पर खेले जाएंगे। इसके बाद टीम बांग्लादेश के खिलाफ 14 और 22 दिसंबर को 2 टेस्ट मैच भी खेलेगी। खबरों की माने तो इसके बाद श्रीलंका की टीम भी भारतीय दौरे पर आ सकती है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।